हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता और आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये सारा अमेज़ॉन का अपना हॉल। और इस टाइम पे मैंने अमेज़ॉन से सिर्फ क्लोथिंग्स की ही परचेजिंग की है। अमेज़ॉन पे चल रही है इस टाइम वार्डरोब रिफ्रेश सेल, जो कि 19 से 23 जून तक है और अभी आपके पास टाइम है, जाके आप तुरंत से खरीद सकते हैं। इस सेल में आपको 80% ऑफ तक मिल रहा है डिस्काउंट सारी चीज़ों पर जो कि फैशन से रिलेटेड है, यानी क्लोथिंग आइटम, बैग्स, एक्सेसरीज, ज्वेलरीज, ये सारे आइटम्स पे आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे चीज़ें मिल रही हैं। तो इस टाइम पे इसलिए मैंने कुछ आइटम्स खरीदे हैं और जो मेरा जो कैटेगरी इस बार का है वो है ओनली क्लोथिंग आइटम्स। तो मैं दिखाती हूँ आपको, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में छोटी सी बेल बटन होगी उसको भी हिट कर देना ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। और गाइज, ये जो हॉल होने वाला है वो पूरा ट्राई ऑन हॉल होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा अप्रिशिएट करना, लाइक भी कर देना, क्योंकि इस चीज़ में बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट आइटम है मेरे पास दिस क्यूट, वेरी क्यूट टॉप। इट इज़ स्काई ब्लू इन कलर, दिस इज़ अ ब्लाउज टॉप एंड लुक एट दिस बैक। ये टाई अप थिंग है जो बैक पे आती है, आप ट्राई ऑन पार्ट में देख लेंगे किस तरीके से ये आता है। ये एक ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप है, बट आप इसको इस तरीके भी पहन सकते हैं बिना ऑफ शोल्डर के। एंड इसकी जो नेक है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, जो ट्रेंडी टॉप्स हैं आजकल चल रहे हैं ना उसी का ही है। एंड यू नो, ये पफ्स वाले जो स्लीव्स हैं वो दे रखे हैं। दिस लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल और साथ ही बहुत ही समरी लुक देता है। नेक्स्ट जो आइटम मैंने खरीदा है वहाँ से वो है ये नेवी ब्लू कलर का क्रॉप टॉप। एंड इसमें जो खास बात है वो इसका फ्रंट है, यू कैन सी इन द ट्राई ऑन पार्ट, ये इस तरीके से श्रिंक हो जाता है पार्ट आगे से फ्रंट पे और बहुत अच्छा लुक देता है। और आजकल ऐसा टॉप बहुत ही ट्रेंडिंग में है। मैं इसका जो मटेरियल है उससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि इसका मटेरियल पॉलिस्टर है तो इसमें गर्मी लग सकती है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये ज़ारा का ड्यूप है, बिल्कुल ऐसा डिट्टो सेम टॉप आपको ज़ारा पे दिख जाएंगे। बट ज़ारा पे यू नो प्राइसिंग कैसी होती है, और ये मेरे को 500 के अंडर मिल गया, बल्कि 400 के अंडर में मिल गया है। और इसमें काफ़ी डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल थे, यू कैन चेक देम आउट। ब्लैक कलर, वाइट कलर मैं इतना लेती हूँ ना तो मैं थक चुकी थी, मैंने सोचा कुछ डिफरेंट कलर लेती हूँ, तो दैट्स वाई मैंने ये वाला कलर खरीदा। अच्छा, नेक्स्ट एक है ब्रालेट, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको जस्ट शो करती हूँ। सो दिस इज़ दी ब्रालेट, यू कैन सी दिस इज़ ब्लैक इन कलर, तो हर चीज़ पे चल जाएगा। इसका जो मेन जो पार्ट है वो है इसकी जो स्लीव्स हैं, इस यू नो कितनी पतली हैं। एंड गाइज, लेट मी टेल यू, एवरी फैशन ब्लॉगर, एवरी ब्यूटी ब्लॉगर हैज़ दिस ब्रालेट टॉप, और दिस लुक्स वेरी वेरी सेक्सी, इट हैज़ पैड्स इन इट। मुझे इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी लगी प्राइसिंग के हिसाब से। एंड इसमें काफ़ी डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल थे, मैंने ये ब्लैक खरीदा है। एंड मैं सोच रही हूँ मैं इसमें एक वाइट कलर भी ले लूँ, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास कोई टॉप या फिर कोई बॉटम वियर नहीं है, ये एक अलग चीज़ है, एक्सेसरीज में आ जाता है। सो दिस इज़ द कॉर्सेट एंड लेट मी शो यू, एंड दिस इज़ द कॉर्सेट। मैंने काफ़ी टाइम से इसको विशलिस्ट में डाला हुआ था, और पीछे से इस तरीके से यू नो आप अपने हिसाब से टाइट कर सकते हैं। ये वेस्ट बेल्ट है एक्चुअल में, और कॉर्सेट बोल सकते हैं इसको। तो अगर कोई आप मैक्सी ड्रेस पहन रहे हैं या फिर कोई लूज सी चीज़ पहन रहे हैं और उसके ऊपर आप ये डालते हैं, ये लगाते हैं, देन आपका आउटफिट में और चार चांद लग जाएंगे गाइस। और इट हैज़ वेरी वेरी गुड क्वालिटी एक्चुअली, मुझे पता नहीं था जब मैंने ये ऑर्डर किया था, बट ये जो फैब्रिक है इसका, ये जो कपड़ा है, ये जो चीज़ है, ये लेदर की है, तो आई कैन स्मेल दिस। और मैंने डिस्क्रिप्शन भी बाद में पढ़ा था कि ये लेदर का है, तो अगर आपको लेदर से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना, बट आपको इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए ज़रूर, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आपके वेस्ट पे नहीं आ रही है तो यहाँ पे टाई अप थिंग भी दिया है, आप इसको लूज टाइट कैसे भी कर सकते हैं अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ द पीस जो कि मैंने वहाँ से ख़रीदा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम पे। ओके, सो नेक्स्ट
आइटम है मेरे पास एक डेनिम स्कर्ट। तो इस टाइम पे मैंने ये वाली डेनिम स्कर्ट खरीदी है, यू कैन सी। सो फ्रंट पे आपको दो पॉकेट्स दिख रही होंगे, फ्रंट पे बटन्स भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए दे रखे हैं, इन्हें आप खोल भी सकते हैं। दिस इज हाई वेस्ट डेनिम स्कर्ट और मेरे पास ऐसी स्कर्ट कोई भी नहीं थी। ये ना एक बॉडीकॉन स्कर्ट नहीं है, बट इट लुक्स वेरी वेरी गुड और हाई वेस्ट है। पीछे से इसे इलास्टिक भी दिया गया है। आई थिंक इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, इसके प्राइसिंग के हिसाब से जितने मैंने इसके पे किए हैं। दिस इज़ ब्लू कलर डेनिम स्कर्ट, इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी अवेलेबल थे एंड इसकी क्वालिटी देख के मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। यू नो, कोई मोटा वाला जींस का कपड़ा नहीं है, काफ़ी हल्का सा है और ब्रीदेबल भी है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ओके, सो जो नेक्स्ट आइटम मैं शो कर रही हूँ आपको वो भी एक एक्सेसरी का पार्ट है, वो है ये बकेट हैट। और गाइस, मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी एक बकेट हैट को, क्योंकि गाइस ये ट्रेंड में आ चुकी हैं वापस से, तो इसीलिए मुझे अमेज़ॉन पे दिख गई और मुझे ब्लैक ही चाहिए। और इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बट आई लाइक दिस प्लेन ब्लैक बकेट हैट है और इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, तो आप चेक कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट आइटम। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट आइटम पे। तो लास्ट है एक बॉटम वियर गाइस। तो मैंने आपको एक बॉटम वियर तो दिखाया ही है, सो जो नेक्स्ट ये बॉटम वियर है मेरे पास वो है एक डेनिम जीन्स। दिस इज़ हाई वेस्ट वाइड लेग जीन्स, हाई राइज है ये और यू कैन सी दिस इज़ लाइट वॉश डेनिम। इतना ज़्यादा लाइट नहीं, इतना ज़्यादा डार्क नहीं है और ये हाई वेस्ट है। मैं आपको ज़रा फ्रंट से दिखाती हूँ, दिस इज़ दी डेनिम जीन्स और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। ये एक ब्रांड है AKA चिक करके, उसकी मैंने काफ़ी सारी जीन्सेस देखी थी अमेज़ॉन पे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है उनकी, काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ भी है। तो जो मैंने ली है वो आप देख सकते हैं, ये वाइड लेग जीन्स ली है और इसमें पीछे भी दो पॉकेट्स दी हुई हैं। और इसके बारे में जो खास बात है वो मैं बताना चाहूँगी कि दिस इज़ वेरी हैवी। जो इसका जो फैब्रिक है वो लाइट नहीं है, लाइट वेट, ये हैवी है। काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ इसमें। ये मेरी तरफ से थम्स अप है गाइस, अगर आपको डेनिम जीन्स लेनी है तो प्लीज़ ले लेना अंडर 1000। ये आई थिंक 800 या 700 की मेरे को मिल गई थी। सो गाइस, दिस इज़ माई अमेज़ॉन फैशन हॉल। और आपको इसमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ लेना। और अमेज़ॉन पे चल रही है वार्डरोब रिफ्रेश सेल, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस और काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट पे आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो मेरे हिसाब से आपको वो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। मैं सबका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप माय हॉल स्टोर में से भी खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लेना गाइस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे और हॉल्स देखने के लिए। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।